पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। 15 अगस्त के इस मौके पर मैं बस एक बात कहना चाहूँगा, हर साल आता है यौमे आज़ादी और हर लोग मनाते भी है, अच्छी बात है। इस टाइम हमारा देश आज़ाद भी हुआ था, ज़रूरी भी है मनाना, अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ को हमेशा याद रखना है, मतलब 15 अगस्त मंगाए 16 अगस्त को हमारा फ्लैग जो रहता है यहाँ वहाँ फेंका रहता है, ये सही नहीं है। इसको ध्यान में रखिए और आज़ादी हमें क्यों मिली, कैसी मिली, कितनी मुश्किल से मिली, वो चीज़ को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों शहीद किए गए इस आज़ादी के दौरान, बहुत लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब हर धर्म के लोगों ने अपनी जान दी इस आज़ादी के लिए। ये बहुत ही कीमती चीज़ हमें मिली आज़ादी, तो इसको समझिए। और एक चीज़ है कि जो हमारी सेना है जो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं बॉर्डर के पास, उसे हमेशा इज्जत दीजिए। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि वो लोग को लोग गाली दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। उन्हें इज्जत दीजिए और आज़ादी को मतलब समझिए। ये नहीं कि बस एक दिन फ्लैग लगाए, एक दिन देशभक्ति जाग गया हमारे अंदर। भाई, देशभक्ति हमारे दिल में रहना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आज देखिए हम सब बाहर में हैं, जितने दोस्त हैं हम, और देश छोड़ के हैं। क्यों है? क्योंकि 2 पैसे के लिए, लेकिन देश से वही मोहब्बत है। और मैं चाहता हूँ जैसे देश हमारा पहले देश जैसा हमारा था, पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, वैसे ही बन जाए। जैसे हम किसी के देश में आ रहे हैं काम करने को, वो भी आए हमारे देश, और हम लोगों को देश छोड़ना ना पड़े। इस पार्टी की वजह से, लेफ्ट पार्टी, राइट पार्टी, इस पॉलिटिकल की वजह से बहुत कुछ हो गया देश, लेकिन देश का उन्नति नहीं हुआ। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी को नहीं बोलना चाहूँगा, कोई भी पार्टी देश के बारे में सोचा नहीं है। देश को आगे बढ़ना चाहिए, आगे अच्छा करना चाहिए। गरीबी सबसे बड़ी चीज़ है, वो गरीबी को दूर होना चाहिए, और ना कि गरीबों को फ़ायदा उठाना चाहिए। बस देश से हर कोई प्यार करता, और ऐसे ही प्यार करिए, ईमानदारी के साथ प्यार करिए, इसमें कोई मिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा देश है और हमारा वतन है, जो हमारा हिंदुस्तान, भारत। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाले साल में ये पहले जैसी, मतलब कहते हैं ना, यौमे मतलब पहले जैसी सोने की चिड़िया जैसी बन जाए। बस यही दुआ है मेरा अल्लाह से, कि यही दुआ है कि मेरा देश पहले जैसा सोने का चिड़िया बन जाए, हर कोई मेल मिलाप से रहे, ना दंगा ना फसाद, लोग आपस में भाई भाई की तरह रहें, देशभक्ति रहे, भाई देशभक्ति रहे, लेकिन किसी से जलन ना हो, किसी से हसद नहीं करें, आपस में मिल बाँट के प्रेम के साथ रहें। बस यही कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। और देशभक्ति बस दिखाने से, दिल में रहे, दिखावा बनावटी वो ख़त्म हो जाता, दिल में रहे, वह सच्चा रहे, अच्छा रहे। आज जो हमारे बॉर्डर सीमा के पार जो हमारे आर्मी जो है, मिलिट्री जो है, वहाँ पर ही हमेशा लगी रहती है, किसे सेव करने के, हमें सेव के लिए, सेव करने के लिए। देश के बाहर है आज, मतलब देश के बाहर से आने वाली जितनी भी मुश्किल कठिनाई और जितने भी जासूस हैं, उन पर नज़र रखती है हमारी, और हम चैन की नींद सोते हैं। तो उन लोगों को मेरा एक सल्यूट है, सलाम है ऐसे मिलिट्री पर, जो हम लोग के लिए जान देने के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। हम चैन की नींद सोते हैं, वो रात भर जागते हैं। यार उन लोग के लिए सोचो, और कोई घूस ना दो, ईमानदारी से, अगर देश को बढ़ाना है ईमानदारी से बढ़ाओ। भाई मेरे को बचना है किसी से, मैं ट्रैफिक में फंस गया, मैं 500 रुपया ट्रैफिक वाले को दे दिया, ट्रैफिक वाले ने ले लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, तो मैं सेफ। भाई यहाँ हमारी गलती है, क्योंकि हमने चालान नहीं कटाया, ये सरकार को टैक्स पे नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ सोचना है। देश और भ्रष्टाचार जो है ना, ऐसे ही होता है, और हम लोग सरकार पर ब्लेम करते हैं, इसके पर ब्लेम करते हैं, हम खुद पर कभी कोई ब्लेम नहीं करते। तो तब होगा ये आज़ादी, हो तो मिल गई, लेकिन हमारे सोच से, हमारे समझ से, ये सब चीज़ से हमें आज़ादी नहीं मिला। तो ये सोच और समझ हमारे दिल और दिमाग में लाना पड़ेगा। बस यही कहना चाहता हूँ ये छोटी सी वीडियो में, और बस यही दुआ कि आने वाले साल में मेरा देश और उन्नति करे, आगे बढ़े, और हम जैसे इस बाहर देश में हैं, हम किसी को बाहर ना आना पड़े, बाहर से फॉरेनर हमारे देश में आए, वो काम करे। बस एक छोटा सा खाई से तमन्ना है। तो बस चलता हूँ।
गोवा में याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत।